डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेवन्थ एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड सम करेंगे। लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल। इसमें स्टूडेंट्स पूरा एक बार रीड करने के बजाय स्टेप वाइज चलते जाओ। लेट एल बी ए लाइन एंड पी बी ए पॉइंट नॉट ऑन एल। मान लो एल एक लाइन है और P एक पॉइंट है जो L के ऊपर नहीं है, तो हमने ऐसे ही करना है। ये L लाइन ड्रॉ कर लो, दोनों साइड एरो लगाना होता है, उसको लाइन बोलते हैं। और P पॉइंट लेना है हमने, कहीं भी ले सकते हो, इसके आउटसाइड में, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इधर लिखना स्टेप्स ऑफ ए कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ ए लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड इट। एक एल लाइन ड्रॉ करो और पी पॉइंट इसके आउटसाइड में लो। अब आगे है थ्रू पी ड्रॉ ए लाइन एम पैरेलल टू एल। इस P पॉइंट से हमने L के पैरेलल एक लाइन M ड्रॉ करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें करना पड़ता है, पहले L पे कोई पॉइंट लो, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ ले लिया पॉइंट, और इसका कोई नाम हमें नहीं बोला गया है, तो हमें कुछ भी नाम इसका रख सकते हैं। A पॉइंट इस पे ले लेना है और उसके बाद P को ज्वाइन कर दो। इनको ज्वाइन कर दिया, अब यही स्टेप लिखना है। टेक ए पॉइंट ए ऑन एल एंड ज्वाइन पी ए। पी ए को हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये किया किस लिए है? हमने P से होते हुए L के पैरेलल लाइन M ड्रॉ करनी है, तो अब उसके लिए हमें क्या करते हैं, 2 सेंटीमीटर कंपास खोल लेना, यहाँ रख लेना और ऐसे एक अर्क लगा देना, और ऐसे ही इतना ही खोले खोले यहां से एक अर्क लगा देना, जैसे पिछले समय करते आए हम। अब उसके बाद क्या करते हैं, जितनी ये अर्क है इतना कंपास खोल के यहां से हमें के आर्क ड्रॉ करते हैं, और ये जो पी पॉइंट है इसमें से होते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी लाइन एम आ गई। अब इसमें स्टेप बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो सीधा ये पॉइंट आपको पहले पिछले समय पता लग चुका है। अब हमें सीधा क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए लाइन एम थ्रू पॉइंट पी सच दैट एल पैरेलल टू एम। इस प्रकार करनी है कि L और M पैरेलल हो। अब आगे क्या बोला है, नाउ ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L थ्रू P ड्रा ए लाइन M पैरेलल टू L। ये हमने ड्रॉ कर दी। नाउ पॉइंट ज्वाइन P टू एनी पॉइंट Q ऑन L, तो इसका नाम स्टूडेंट्स क्यों ले लो, आगे दे दिया ना, तो यही हमने ले लिया, ये क्यों पॉइंट हो गया अपना। यहां भी इसमें भी ठीक कर देना इसको, ये क्यों है, पी क्यों हो गए। अब ड्राई लाइन एम थ्रू पॉइंट पी सच दैट एल पैरेलल टू एम, ये क्यों हो गया। आगे इन्होंने क्या बोला है, लेट दिस मीट एल, नहीं आगे इधर था, चूज एनी पॉइंट अदर पॉइंट आर ऑन एम
एम के ऊपर कोई पॉइंट आर लेना है, ये हमारा एम है, इस पे कोई भी पॉइंट आर ले लो, ये हमने आर ले लिया। थ्रू आर ड्रा ए लाइन पैरेलल टू पी क्यू, अब इस आर से हमने पी क्यू के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे करेंगे, इसके पैरेलल हमने यहां लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो कैसे की जाएगी, इसके पैरेलल बताओ, जैसे हमने इसमें इसके पैरेलल ये की थी, तो अब इसके पैरेलल यहां से हमने लाइन लेनी है, तो कैसे ली जाएगी, वो लाइन ली जाएगी स्टूडेंट्स, जितने ये आर्क है उतने ही आर्क आप यहां ले लो, यहां कंपास रखोगे और ऐसे यहां से आर्क लेनी है। यहां कंपास रखा और कैसे जाएगी अर्क, फिर जैसे यहां रखते अब यहां रखा है तो कैसे जाएगी अर्क बताओ, ऐसे जाएगी, ये अपना आर पॉइंट। अब इसके पैरेलल लेना है हमें, तो यू सोचो कि ये ऐसे कर लिया हमने, तो अब कैसे करेंगे, इतना ही खोले खोले यहां से भी ले वे पर, अब जितनी ये है इतनी ये लेनी है, जितनी ये है इतनी हमने यहां से ये लेनी है, तो अब कैसे होगा, ये यहां से आएगी, अब इनको मिला दो, ये पॉइंट आ जाएगा, लेट दिस मीट एल एट एस, इसको एस पे मिलने दो, एल को। अब हमने किया क्या है, फोर्थ ड्रॉ ए लाइन आर एस, सच दैट आर एस पैरेलल टू पी क्यू, इस प्रकार करनी है कि जो आर एस है वो पी क्यू के पैरेलल आ जाए। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा आगे पूछा क्या है, व्हाट शेप डू द टू सेट ऑफ पैरेलल लाइन इनक्लोज, एक तो एल और एम पैरेलल थी, एक पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो इनके बीच में जो ये शेप बना है तो ये क्या है, ये एक पैरेललोग्राम है, एस क्यू पी आर इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है, उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, जैसे इसके पैरेलल ये है और इसके पैरेलल ये है, इसलिए इसको हमें पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये अपना थर्ड सम कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स।